जी मैं बस निकल रहा हूँ, स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो गई है। मेरा ख्याल है मुझे तकरीबन एक आधा घंटा लगेगा आप तक, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। आप देखकर नहीं चल सकते? I'm so sorry. Oh my God. आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आप नसर मुस्तफा है ना? मैं नसर मुस्तफा ना भी हूँ तो मैं नसर मुस्तफा ही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है राइटर नसर मुस्तफा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और अगर ना भी हुआ तब भी मैं नसर मुस्तफा हूँ। मैं समझी नहीं। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? आप इस तरह क्यों चीख रही हैं? जैसे मैं कोई राइटर नहीं बल्कि मैं कोई अजीब सी चीज हूँ। आपको नहीं पता मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। आपकी एक एक नॉवल मैंने 10-10 दफा पढ़ी है। आपने अपने ऊपर इतना जुल्म क्यों किया? खैर, मैंने अपने नॉवेल्स तो सिर्फ एक बार ही लिखे हैं, लेकिन उनको कभी नहीं पढ़ा, बहुत बोरिंग होते हैं। आप मजाक कर रहे हैं? मैं और मजाक? कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। एनीवे, आई हैव टू गो। एक सेकंड। ये आप क्या कर रही हैं? अब पेन है आपके पास? पेन का मुझसे क्या ताल्लुक? वो पेन नजर आ रहा है। ये पता नहीं मेरी जेब में कैसे आ गया। ये लीजिए, ऑटोग्राफ दे दें प्लीज। मगर मेरे ऑटोग्राफ का आप क्या करेंगी? आपको नहीं पता मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। अब आप मुझे मिल गए हैं तो जल्दी से ऑटोग्राफ दे दें। देखिए मैं जल्दी में हूँ, आई एम सॉरी। प्लीज। थैंक यू। कोई मसला नहीं, मैं चलता हूँ। मंशा आरिफ। इट्स नाइस टू मीट यू मंशा आरिफ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? गुड। गुड टू सी यू। हाँ भाई। गुड, लेकिन आपको खुश देखना चाहती हूँ। आर यू हैप्पी डैड? तुम आ गई हो अब और भी अच्छा हो गया। गुड, अच्छी जगह है डैड, आई लाइक इट। हाँ ठीक है। आपके कजन आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं ना डैड? हमारे भी इस पर बड़े एहसानात हैं। इसका बाप एक मामूली सरकारी अफसर था, महीना खत्म होने से पहले तनख्वाह खत्म हो जाती। फिर मेरे डैड ने बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली इनको, इवन इसकी फीस तक पे। मगर शुक्र है कि इसे वो बातें याद हैं। दैट्स गुड डैड, इसका मतलब है वो अच्छे इंसान है। आजकल लोग दूसरों के एहसान भूल जाते हैं। शुक्रिया। बस थैंक यू। शुक्रिया। तुम सुनो, तुम खुश हो ना? ये सब कुछ हमारे पास भी था, इनफैक्ट इससे कई गुना ज्यादा हमारे पास था। वो चीजें मिस तो नहीं करती? आप खुश हैं? मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ डैड। डैड लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन अब ये चीजें मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं रखती। पॉजिटिव एटीट्यूड। हैरत है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारी अप्रोच इतनी पॉजिटिव। पॉजिटिव होना पड़ता है ना डैड। देखिए, पॉजिटिव लाइफ लीड करने के लिए हर चीज को पॉजिटिव नजर से देखना चाहिए। दैट्स माय एटीट्यूड नाउ। या होपफुली, लेकिन खाली जेब के साथ कोई पॉजिटिव नहीं रहता। तुम कॉफी लो। इंसिया बीबी, जल्दी से डिसाइड कर ले, पता मुझे बहुत भूख लग रही है, और जब से आपने कहा है ना मैंने कुछ भी नहीं खाया। डैड जाग जाएंगे, और वैसे भी अगर कुछ किया ना तो हम पकड़े जाएंगे, और मम्मा का भी हो रहा है टाइम आने का। अभी सर को सोने में ना बहुत टाइम लगेगा, वो अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं। मैम ने कहा था कि आज वो लेट आएंगी, तो उनके आने में भी तो टाइम है ना।
हाँ एलिसिया, तुम ऑर्डर कर लो। वैसे भी डिलीवरी होने में बहुत देर होती है और मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ मैं ऑर्डर कराती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम पकड़े जाएंगे तो हम सब साथ हैं। हाँ हाँ आप फिक्र नहीं करें, मैं हूँ ना। और हाँ रीडर को बोलिएगा कि घंटी ना बजाए, मैं ना चोरी चोरी जाके ना सारा ऑर्डर लेकर आ जाऊंगी। रानी रीडर नहीं राइडर। हाँ एक ही बात है, रीडर राइडर। और हाँ मेरे लिए ना बहुत सारे प्राइज मंगवाइएगा। हाँ हाँ मैं सब कुछ मंगवाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को पता नहीं चले। ठीक है। सूखे पड़े हुए, पानी भी तुम ठीक से नहीं दे रहे ना। ये देखो इसका हाल देखो, पत्थर अंदर। कहां परसों तुमने पानी दिया, उसकी शक्ल बता रही है। और ये जगह खाली है, यहां मैं तुम्हें कहा था पौधे लगाने के लिए, क्यों नहीं लगाए? कुछ नहीं करते तुम, कुछ भी नहीं करते। गुड मॉर्निंग मिसेस दासन। गुड मॉर्निंग। तुम ऐसा करो कि मैं अपना सेलफोन कमरे में भूला हूं, वो ले आओ। आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? हाँ वो सो रही है। अच्छा आपको गार्डनिंग बहुत पसंद है? जी मुझे भी फूल जैसी नाजुक चीजें बहुत पसंद है। लाइए ना, मैं कर देता हूँ। आप नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। थैंक्स। एक और गेम हो जाए? हाँ श्योर। यार वो मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए और अपने दोस्तों से भी बात कर ली है जो पार्टनरशिप के लिए तैयार है। तुम कल ऑफिस आ जाना, ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है ना? अप्रिशिएट दैट। नो प्रॉब्लम यार। वो अलग नजर नहीं आ रही। शूट पर है वो इस वक्त। हाँ तो क्या हुआ? नहीं मेरा मतलब है कि इस मुल्क के हालात का तो तुम्हें पता ही है, कैसे रहते हैं और औरत जात है, तुम परेशान नहीं होते? नहीं यार शूट पे अक्सर इतना टाइम लग जाता है। अच्छा वो लड़का कौन है? वो फलक के साथ होता है। कौन? नसर। हाँ नसर मुस्तफा इज द नेम, एम आई राइट? मंशा बता रही थी कि लड़कियां उसके नॉवल को बार बार पढ़ना पसंद करती हैं।
इधर सो। हाँ ये तो है। फलक का दोस्त है वाले। हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं वो दोनों। फलक जो ड्रामा डायरेक्ट कर रही है ना उसका राइटर भी वही है। तो फिर तो वो शूट पर साथ होगा, तुम्हें परेशान होने की तो कोई जरूरत नहीं। ऑब्वियसली यार राइटर है उसके ड्रामे का, साथ क्यों नहीं होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा था कि अगर मेरी बीवी होती तो मैं उसे नफरत जैसे इंसान के साथ वक्त गुजारने की ताकत बिल्कुल ना देता। क्या मतलब है इस बात का? भाई एक तो वो यंग और हैंडसम है, दूसरा लफ्जों का हेर फेर बखूबी जानता है। किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है उसके लिए बहुत आसान काम होगा ना। और रिजवान तुम तो औरतों की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हो, हर चमकने वाली चीज की तरफ अट्रैक्ट तो होती हैं वो। नहीं यार, नहीं यार, मुझे फलक पे भरोसा है। भरोसा तुम्हें फलक पर है, नसर पर है। कहना क्या सर? इंसान कभी कभी भरोसा आंखों की पट्टी बन जाता है। क्या पता जो कुछ तुम देख रहे हो एक्चुअली उसके बरक्स ही हो। मैंने कहा ना मुझे मेरी बीवी पे भरोसा है। अच्छा होगा कि आइंदा हम इस मौसम पे बात ना करें। आई डोंट लाइक इट। देखो मैं तो तुम्हारे भले। लेट्स सी जाएगा। मुझे नहीं मनवाना। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने नेट पर चेक किया था, बहुत अच्छा होगा। मुझे पता है तुम नेट में हमेशा कुछ ना कुछ चेक करके मुझ पर ट्राई करके हंसती हो। स्टूपिड, मैं तुम्हें मॉडल बना रही हूँ तो मुझे डांट रही हो? से थैंक यू टू मी। अस्सलाम वालेकुम सर। बच्चे का? सर बच्चे तो अपने रूम में है। अच्छा ठीक है। सर चाय लाऊं आपके लिए? नहीं थैंक यू। हे ओ निशा कितनी अच्छी लग रही है ना डार्क। क्या बाकी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे पता है हेसल बहुत बुरा बना है और मेरे पे हंस रहे हैं। नहीं नहीं माय प्रिंसेस इज लुकिंग ब्यूटीफुल। मैंने एलिसिया को बोला भी था लेकिन इसने जबरदस्ती की। डोंट यू ट्रस्ट योर डैड। मैं कह रहा हूँ अच्छी लग। वाओ कमाल किया है। देखो अब हंस दो ना। की तारीफ हो रही हो तुम। थैंक यू कहना चाहिए मुझे। कभी नहीं। हाँ 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 थैंक यू करो। थैंक यू। ये अब तुम इसका मेकअप करो बिल्कुल ऐसे ही। Now you come here. Sit. Now she's gonna do it for you. आ जाओ भाई। चलो भाई। अब देखो। जानम। आज जल्दी सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम्हारी फिर आज रात की शूट। यार इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे दिन के सीन नहीं है क्या? है लेकिन रात के सीन्स है ना सिर्फ आज। ऑलरेडी हम अपने स्केड्यूल से काफी पीछे हैं लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं नहीं जाती। मैं तुम्हें नहीं रोक बल्कि मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता। चाहता तुम बहुत कामयाब हो। प्लीज एक फेवर कर दो।
कल के स्केड्यूल में रात के सीन कोई ना रखूं। मैं कोशिश करूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। बाय। लव यू। आई लव यू टू। जाना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहते कि मैं आज छूट के जाऊं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस वो तुम रात को देर में आओगी ना, वो मैं तो रात में भी नहीं आऊंगी, सुबह आऊंगी। ओ, तो आज रात फिर मुझे पता सुना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं, रोक ले मुझे, ले जाते। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। अच्छा जाओ, देर हो रही है। ऐसे अगर तुम कभी मेरी कामयाबी में रुकावट बनना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, अच्छा लगे। अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं रुकावट बन गया। बाय। कहीं जा रही हो? आप यहां क्या कर रहे? तुम्हारा इंतजार, हमेशा से बहुत इंतजार करवाया तुम। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जानती हो फलक, जब भी तुम्हें देखता हूं तो मेरे सब्र के इम्तिहान का वक्त होता है। तुम्हें देखकर जो ख्यालात आते हैं वो बहुत परेशान करते हैं सब्र नहीं होता मुझे। मेरा दिल चाहता है कि अकलमंद औरत हूं। समझ तो गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रास्ता छोड़िए मेरा, जाने दे मुझे। जाने दो, फिर से जाने दो। तुम्हें पसंद मैंने पहले किया था, नजर भी मेरी ही पड़ी थी तुम पर, जो कि अब भी है। बस पहुंचने ही वाला था कि ऐसी देर हो गई, लेट हो गया। रिजवान जो पहुंच गया था, क्या तकदीर है उसकी भाई, क्या तकदीर है उसकी भाई। जस्ट शट अप, रास्ता छोड़ो मेरा। जानम जी, कौन सी टाइम दोनों में से? आई थिंक ये अच्छी लगेगी इसके साथ। ये वाली? वो आरिफ के बिजनेस का क्या बना? हाँ,
आज एक दो मीटिंग्स हैं, कोई ना कोई डील हो जाएगी। इसका मतलब है उसका साया भी इस घर में और है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अब उसकी बेटी भी आ गई है, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि कहीं और शिफ्ट हो जाए। आई थिंक ना मैं उन्हें कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, उनको भी शायद अच्छा ना लग रहा हो इस तरह हमारे साथ रहना, प्राइवेसी चाह रहे हो। नहीं 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 यार, बहुत अपसेट है वो, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ज्यादा अकेला छोड़ा तो मजीद टूट जाएगा। उसकी बेटी है ना उसका ख्याल रखने के लिए, मुझे नहीं लगता उसे अब तुम्हारी जरूरत है। जानम, मुझे ना तुम्हारे बाल खुले ज्यादा अच्छे लगते हैं। बात मत बदलो, मुझे वो शख्स इस घर में और नहीं चाहिए, प्लीज। पता है मुझे उसकी नज़र ही अच्छी नहीं लगती, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। उसको औरत की इज्जत करना ही नहीं आती, वो अपनी रानी है ना, वो भी उसको पसंद नहीं करती। रानी? ओहो, तो तुम रानी की वजह से परेशान हो। रिजवान, आई एम सीरियस। मुझे एक बात अभी तक नहीं समझ में, जब तुम्हारा आरिफ के साथ ज्यादा इंटरेक्शन ही नहीं है, उसके सामने तुम आती नहीं हो, तो उसके यहाँ रहने पे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रिजवान, मुझे उसके बात करने का अंदाज ही पसंद नहीं है, उसके देखने का, जैसे वो देखता है, बात करता है, चीप लगता है वो। ओ भाई, ऐसे ही है वो, खुला डुला, वो औरतों की तारीफ करता है और कुछ नहीं। दिल का बुरा नहीं है, उसकी नीयत बिल्कुल बुरी नहीं है। और ये जो नसर है वो तुम्हारे साथ इतना फ्रैंक है, तुमने कभी उसकी बात का बुरा नहीं माना। नसर और आरिफ में जमीन आसमान का फर्क है रिजवान, क्या बात कर रहे हो तुम? और फ्रैंक होने में और बदतमीज होने में बहुत फर्क है। वो फ्रैंक होता है, ये बदतमीज है। मैं इसकी मौजूदगी से इरिटेट हो जाती हूँ, जिस दिन से मेरे घर में आया मुझे सुकून ही नहीं है, तंग होती हूँ उसकी हरकतों से। और बाय द वे, तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? उसकी इतनी साइड नहीं ले रहा हूँ मैं, तो बस आई एम टेलिंग यू रिजवान, इस घर में या तो वो रहेगा या मैं, फैसला तुम्हारा है। जानम, मैं उसे जाने को नहीं कह सकता। देखो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उससे बढ़कर उसके वालिद की मुझ पर बहुत एहसान है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक छोटा सा मौका मिला है मुझे, कैसे हाथ से जाने दे सकता हूँ? प्लीज मत करो ऐसा, उसे यहाँ रहने दो। ओके, अप टू यू। क्या लेंगे, चाय कॉफी? जानम, नाराज क्यों हो रही हो? देखिए, वो बंदा मुझे इस घर में नहीं चाहिए, बस बता रही हूँ। मत देखो ना उसकी शक्ल, मेरी शक्ल देखो ना। तुम्हारी शक्ल है तो देखती हूँ, अच्छी लग रही है, लेकर आती हूँ चाय। डैड, मिसेस तासीर किस किस्म की लेडी हैं? ये अचानक मिसेस तासीर के बारे में क्यों पूछ रही हो? ऐसे मैं उनके घर में रह रही हूँ और कभी उनसे मिली नहीं हूँ, तो चाह रही थी कि मुलाकात से पहले उनके बारे में कुछ जान लूँ। मिसेस तासीर किस किस्म की औरत है? वो एक ऐसी औरत है जिन्हें अपने इस आलीशान घर में कोई दिलचस्पी नहीं, ना बच्चों की फिक्र है, ना घर की कोई परेशानी है, इवन उन्हें अपने शौहर की कोई खबर नहीं होती। घर से बाहर निकलने का तो बहाना चाहिए उन्हें, फुर्सत का एक लम्हा भी जाया करना पसंद नहीं करती है। तो वो बहुत बिजी रहती हैं। वेल, शो तो ऐसे ही करती है। मिसेस तासीर मिस्टर तासीर को उनकी बिजनेस में हेल्प भी करती है। व्हाट, इतना खुशकिस्मत हो ही ना जाए वो। डैड, एक सेकंड। फलक तासीर, ओह माय गॉड,
डैड, ये पाकिस्तान की वो फेमस ड्रामा डायरेक्टर फलक तासीर है। हाँ। डैड, आई लव हर वर्क। मैंने इनके सारे ड्रामे कनाडा में देखे हैं, बसेरा, दिल की धड़कन, दीवार, अरमान। शी इज सो टैलेंटेड डैड, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। आई कांट वेट। हाँ मिल लेना, लेकिन ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ऐसी भी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है। और तुमने तासीर से इस बात के बारे में कोई बात नहीं? कितनी बार कोशिश की है, मगर वो हर बात को इतना लाइटली ले रहा है, उसको लगता है मेरा वहम है। आरिफ के अब्बू के बहुत एहसानात है तासीर पे, इसलिए वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन उसे मुझे समझ नहीं आ रही कि तासीर को मेरी फिक्र नहीं है या फिर वो आरिफ पे ज्यादा भरोसा कर रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा उसको ये सब कुछ? देखो फलक, तासीर की मोहब्बत को तुम्हें कभी सवाल नहीं करना चाहिए। नो डाउट उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है, लेकिन उसके साथ साथ तुम पर भरोसा भी बहुत है। उसे पता है कि ये दुनिया गंदी है, लेकिन उसके साथ साथ उसे ये भी पता है कि इस दुनिया की गंदगी तुम्हें नहीं छू सकती। उसको तुम पर भरोसा भी बहुत है। मैं ये सब समझ रहा हूँ, लेकिन उस अजाब का क्या करूं जिसने मेरे घर में मेरा ही रहना मुश्किल कर दिया? Oh well, I guess वो सब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर फलक, आपस की बात है, मुझे आरिफ का ज्यादा कसूर नजर नहीं आ रहा। तुम्हें उसका कसूर नजर नहीं आ रहा? क्या मतलब तुम्हारा? कम से कम मैं उस गरीब का दुख समझ सकता हूँ। नसर, मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या बातें कर रहे हो? हर वक्त तुम्हें मजाक सोचता रहता है। कम से कम मैं उस गरीब का गम तो समझ सकता हूँ। कोई फायदा नहीं है तुमसे कोई बात करने का। रात डिनर पर आना, 13th एपिसोड डिस्कस करनी है। मिल लेना उस गरीब से भी, सारी हमदर्दियां दूर हो जाएगी तुम्हारी। हाँ ठीक है, कुछ और ना सही, कम से कम उस गरीब से तो मिल लूंगा। साकिब, एक्ट्रेस को लाइंस याद हो गई हैं? सीन रेडी करेंगे। विशान साहब क्या कहते हैं आप इसके बारे में? सर ये कि अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो लॉस का एक्सपेक्टेड रेशियो जो है प्रॉफिट से ज्यादा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर बिकॉज हमें भी लॉस होगा ना सर, क्योंकि देखिए मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ इससे। आप एक काम करें, मजीद काम करें, फाइनल मीटिंग एक और कर लेते हैं। ओके सर, ठीक है। फिलहाल मुझे घर जाना है खाने पे, बाद में मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए। ओके। आरिफ को बुला लिया? जी बुलाया मैंने आपके दोस्त को, और नसर को भी इनवाइट किया। नसर को क्यों बुलाया? कुछ चीजें डिस्कस करनी थी उसके साथ। मैं अपने मंशा को भी बुलाया है। बुलाया उसे, मगर आप उसे कब मिले? हम अंकल आरिफ के पास गए थे, वो वहां थी। आप क्या लेने गई थी अंकल आरिफ के पास? हम लोग वहाँ मूवी देखने गए थे आरिफ अंकल के पास। लेकिन बेटा आपने वहां जाने से पहले मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली? सॉरी वी आर लेट यार। या कोई बात नहीं, आओ बैठो। हाउ आर यू मंशा? फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। हेलो मंशा। हाय मिसेस तासीर, ऐसे लग रहा था जैसे आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी। आप बहुत बिजी रहती है ना, शूटिंग्स में अक्सर देर हो जाती है, लेकिन दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था तुमसे मिलने को। और डैड बता रहे थे कि आपके अपकमिंग सीरियल में नसर मुस्तफा भी हैं, शायद उन्होंने लिखा है। लगता है तुम उसकी बहुत जबरदस्त फैन हो। बहुत बड़ी फैन हूँ, जब मैं उनकी नॉवेल्स पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए लिखी गई है।
वो होते हैं ना आपके साथ शूट पर? जी बिल्कुल, वो भी वहाँ होते हैं। हेलो। ओह हाय। बाय द वे तुम लेट हो बहुत। अच्छा। आई नो, आई एम सो सॉरी। हाँ बेटा नसर। नसर, ये मेरा बचपन का दोस्त है, आरिफ ज़करिया। आरिफ ये फलक के साथ होता है। इज़ अ वेरी गुड राइटर। हाउ आर यू? आपका काफी जिक्र सुना। Really? I hope के कुछ अच्छा ही सुना होगा आपने। इस बात की अपना गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन तुम शूट से जल्दी क्यों चले गए? वो तुम बिजी हो गई थी तो मैं बोर हो रहा था। आज जल्दी मत जाना, बहुत कुछ डिस्कस करना तुम्हारे साथ। श्योर। आप राइटर हैं ना? तो क्या राइटर का शूट पर होना जरूरी होता है? जी हाँ, राइटर का सेट पे होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए भी नई बात है। आप ही का कमरा है, आप आराम से बैठे। आपने तो ऐसे रिएक्ट किया है जैसे आपके सामने कोई शैतान आ गया हो। कम ऑन, ये मैं ही हूं आरिफ। कोई काम था आपको? यहां क्यों आए? एक्चुअली वो रिजवान आया नहीं आज मेरे। आया तो मैं उसी से मिलने था, लेकिन आपको देखने के बाद इरादा बदलने को जी चाहता। यार कहाँ हो तुम, कहाँ गुम हो? दोस्त को वहां अकेला छोड़ दिया तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहां हूं या तुम यहां आ जाओ, बात तो एक ही है ना। हाँ बात तो एक ही है। रिजवान तुम्हें याद है जब बचपन में हम हॉस्टल में कमरा शेयर किया करते थे? तुम अपनी बेस्ट साइड के लिए कितना पोजेसिव हुआ करते थे। मैं कभी सो भी जाता था तो तुम आधी रात को मुझे झंझोड़ झंझोड़ कर उठाते थे, रिमेंबर दैट? हाँ यार। तुम इसे स्तासी क्या अभी भी अपनी बेस्ट साइड के लिए बहुत पोजेसिव है? मतलब रिजवान लेफ्ट साइड पर और आप बेड की राइट साइड पर। चलो यार बाहर चल के बैठ के बातें करते हैं। यार यही ठीक है ना? चलो यार बस यहां मुझे तुमसे कुछ बातें करनी। आओ आपसे आपके कमरे में मिलकर बात करना चाहता हूं।